जयपुर से इलाहाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आज हम लोग इसी में सफर करेंगे और हमारी गाड़ी खुलती है यहाँ 3:20 पे, सुबह 4:55 पे इसका पहुँचाने का टाइम है, 798 किलोमीटर 15 हॉल्ट के साथ। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। हमारी ट्रेन खुल चुकी है बिल्कुल अपने टाइम पे जयपुर से, जो कि है 3:20 पे, और आवाज़ थोड़ा कम निकल रहा है इसलिए कि रोजे में है तो थोड़ा, और पीछे गड़गड़ के इंजन की आवाज़ आ रही है वो जनरेटर वाला, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। पीछे हम लोग हैं इसलिए बहुत ज्यादा हिल रहा है, और हमारे को पैसेंजर एक ये है मामू और नीचे मोहम्मद कैफ। बाथरूम में साफ सफाई का बिल्कुल सही सिस्टम है, नल अंदर बाहर जा रहा है, यह ऑटोमेटिक है क्या? पानी बोतल, पानी बोतल।
अंग्रेज कर रहे हैं ना, ना ना हम अंग्रेज थोड़ी हो रहे हैं, बताइए। हम लोग इंडियन है। और भाई जी बढ़िया बढ़िया। इकसठ किलोमीटर का सफर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दूसरे हॉल्ट दौसा जंक्शन। जंक्शन इसलिए कि यहां से पटरी जो है, लाइन जो जाती है वो जयपुर अजमेर की तरफ, और दूसरी जो जाती है वो जाती है अहमदाबाद मुंबई। और नंबर 8 प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां दो प्लेटफॉर्म है, और ये उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर जोन में आता है। समोसे गरम समोसे समोसे 20 रुपए के आ रहा ना खा ली चारो आ रहा गरम समोसे 20 के चार खा रही हो जाए जमाने तुम समोसा भैया मच्छी चलता बांधे की में 18 रुपए का आता है। गुलाबों का समोसा खाया है? गुलाबों लवाई का 5 रुपए में समोसे खा रही है अभी तो। ट्रेन जो 1874 को चलाई गई थी इंजन भाप वाली, जिसे अंग्रेजों ने चलाया था, वो बांदीकुई से आगरा के बीच ही चलाई गई थी।
51 किलोमीटर का सफर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अलवर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है WR, और यहाँ हमारी ट्रेन 5 मिनट लेट पहुंची है। अलवर जंक्शन इसलिए है कि यहाँ से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए एक लाइन गुजरती है और एक मथुरा और जयपुर के लिए। और कहाँ जा रहे हैं भाई जी? जा रहे हैं मथुरा जा रहे हैं। मथुरा? मथुरा किस काम के लिए जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं। घूमने के लिए? बाबा जी का दर्शन करने? हाँ, वृंदावन जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। प्रेम मंदिर कितने बजे तक पहुँचोगे? पहुँचेंगे 8 बजे। पौने 8 बजे तक। किरा दो ना, किरा ना, बिना कितने का है? कितने का है? एक जगह दे दो, मिल रही है काउंटर पे, मिल रही है। तीखा तो नहीं निकलेगा ना? ना, बस 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 ज्यादा मिल तो। 208 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 5वें हॉल्ट ब्रिज नगर पे, जिसका स्टेशन कोड है BINR, और हम पहुंचे हैं यहाँ 5 मिनट लेट। आपसे बात कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत रोजा लग रहा है, सब चक्कर की तरह आ रहा है। आधा घंटा और समय बचा है हम लोग का, मुंह धोएंगे उसके बाद अफ्तारी करेंगे, मिलते हैं अगले स्टेशन पे। शाम में हम लोग अभी खाएंगे ना 7 बजे से, बाद में फिर आप जितना खाओ कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है? और अपना हो गया जा करके फिर सुबह 4:25 पे जब अजान लगेगी वो लास्ट रहेगा आपका, लेकिन सुबह में भी ज्यादा नहीं खाएगा खाना। अगर ज्यादा खाओगे और खट्टा दिखार आ गया तो आपका रोजा गया। तो आप हल्का 2 खजूर 1 गिलास दूध पी सकते हो या 1 रोटी खा सकते हो सुबह, बस। और पानी पी लो बस, अच्छा खा लो। शहरी का वक्त हो गया। ये देखो चाचा सही बोल रहे हैं, शहरी का वक्त हो गया, रोजा खोल लो। तो अपना टाइमिंग है 5:25 हो जाए अपना, और 29 अगर चांद दिखा तो अगले दिन ही तो जाएगी, और नहीं दिखा तो 30 का रोजा रखेंगे, फिर अगले दिन ही तो जाएगी। ताऊ अरे थोड़ा इधर हो जाओ, नीचे फिर चले जाओगे, जिद कर रहे हो सिर्फ। अफ्तारी का टाइम में हम सिर्फ 15 मिनट बाकी है, दांतों की साफ सफाई हो रही है, बस चलेंगे खाना पीना खाएंगे। अगर इसके बाद कोई स्टेशन आता है तो वो उसकी मैं छोड़ दूंगा, अगले स्टेशन पे मिलूंगा फिर। हमारे ये रहा इफ्तार का, खीरा केला अंगूर समोसा खजूर, और पानी अपने पास था जो खत्म हो गया। एक भाई साहब मिले हमारे UP के, उनका तो टाइम हो चुका है, वो अपना इफ्तार शुरू कर रहे हैं। उनका 6:55 पे था, हमारा 7 बजे जयपुर के हिसाब से, इन्होंने यूपी के हिसाब से बोला था। कितना बच रहा टाइम कैफ? 4 मिनट। 4 मिनट, चलो ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है तो मिलते हैं फिर खाने के बाद। बहुत हम पहुंच चुके हैं अपने 8वें स्टेशन मथुरा जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है MTJ, और हमारी गाड़ी यहाँ ऑन टाइम पहुंची है। प्लेटफॉर्म की संख्या यहाँ है 9, और जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे दिल्ली मुंबई दिल्ली चेन्नई के लिए यहाँ से ट्रेन डाइवर्ट होती है। ये हमारा 8वां स्टेशन था, 2 स्टेशन इसलिए नहीं दिखा पाए कि हम अफ्तारी कर रहे थे दीघ और अपना गोवर्धन तो ऐसी जगह पे रुका कि पता ही नहीं चला, खेत में ही रुक गया था। तो यहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने पूरा किया है अच्छे तरीके से, चलिए आगे का सफ़र का देखते हैं क्या होता है। और टिकट की बात करें तो हमारा टिकट लगा है 245 रुपीज़ जनरल का, स्लीपर का 450 के आसपास, और थर्ड AC का लगभग 1100 रुपये। और कोच की संख्या की बात करें तो इसमें है 4 जनरल डब्बे
A1 AC, AC 2 टायर 4, AC 3 टायर लगभग 6 है। जयपुर से जब खुली थी तो लगभग 20 मिनट लेट था, लेकिन इसने 20 मिनट टाइम को मैनेज कर लिया। इकबाल वाले मंडी में हम भजन करते हैं। अच्छा, भजन करते हैं इकबाल वाले मंडी में भजन करते हैं। भोजन कलकत्ता का पेट यम है, वो भोजन देता है। धन का ना हो धन का पेट बहुत पूजी पथ है, बहुत बड़ा भाई। यही भजन करो माला जब वो भोजन नहीं पड़ेगा और तुमको खर्चा देंगे 10,000 महीना। और क्या चाहिए? जाओगे इलाहाबाद तक? गेटवा पका है माल दे, अंदर जाके बैठो ना। कहाँ जा रहा है? कहाँ रहता है? जयपुर। चलो बढ़िया, आ जाओ, एक दे दो। डाल दो एक कॉफी। कॉफी पिएगा हम? आपको मटाओ करने दो यार, जाओ। 328 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 9वें हॉल्ट आगरा कैंट, जिसका स्टेशन कोड है AGC। यहाँ पे हमारी ट्रेन ऑन टाइम पहुंची है और 5 मिनट का यहाँ पे इसका हॉल्ट है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ट्रेन जर्नी तो AC में भी कर सकते हैं, 3rd AC में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मजा आपको जनरल में आएगा ना, जो इंडिया दिखेगा जनरल में, वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। जनरल की बात ही अलग है, आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे। अगर सफ़र करना है स्लीपर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पिछला वीडियो जो था वो था दिल्ली से जयपुर का, डबल डेकर में शौक था गए, लेकिन मज़ा नहीं आया। मुझे ही नहीं मज़ा आया तो आपको क्या मज़ा आएगा, इतना मज़ा नहीं आया था। लेकिन ये सब है ना, इसमें मज़ा आता है। तो 5 मिनट का यहाँ हॉल्ट है। कैंट की बात की जाए तो ये स्टेशन चालू हुआ था 1904 में, और इसका विद्युतीकरण यानी बिजली वाला
यहाँ पे काम हुआ था 1982 से 1985 के बीच में, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 है। घर से लेकर के आए थे चिकन बिरयानी, रोटी यह 60 रुपए का आधा किलो। आप किसी भी ट्रेन में चल जाओ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कम से कम 200 रुपए का, लेकिन हम घर से ही लेके आए थे। खाने के बाद आपसे मिलते हैं। पुर की फेमस मौलाना की बिरयानी, मामू कैसा लग रहा खाने में? ठीक है, ये हमारा है, ये कैप का है, सब आधा आधा किलो लिए थे 60-60 रुपए का। कैप मजा आ रहा है, ट्रेन से बढ़िया है ना। 464 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने 11वें हॉल्ट इटावा जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है ETW। इटावा जंक्शन की बात करें तो ये आता है, इसका जोन है इलाहाबाद, और यहाँ से मैनपुरी, शिमला, और फिर जिधर से हम लोग आ रहे हैं फतेहाबाद होते हुए, फतेहाबाद का स्टेशन भी हम लोग से छूट गया है। यहाँ पे पता चला था स्टेशन से बाहर ही थे। हमारी ट्रेन खुल चुकी है, देखिए कितना दूर है प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल हम लोग कितना दूर थे। फिर अंदर अंदर गए स्लीपर में होकर के, तब जाके पानी भरे। हमारी ट्रेन यहाँ बिल्कुल टाइम से खुली है, 11:40 पर। सौ 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने 12वें हॉल्ट कानपुर सेंट्रल में, जिसका स्टेशन कोड है CNB, और हमारी ट्रेन यहाँ करीब करीब 10 मिनट बिफोर पहुंची है। 1:35 में हमारी ट्रेन यहाँ से खुलेगी, और आप कानपुर को जानते ही हो, कानपुर को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, यूपी का सबसे बड़ा शहर है। अभी तक जागा हुआ हूँ, 1:30 बज चुके हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे की पूरी जर्नी को दिखा दो। इटावा में तो समझ में नहीं आया, यहाँ तो अच्छा दिख रहा है। थोड़ा ठंडा दीजिएगा, ठंडा दीजिएगा। हम लोग इतनी रात तक इसलिए जा पाए कि अगर सो गए तो फिर सवेरे का टाइम हमारा छूट जाएगा, तो आगे है तो 2:30 बजे तक फतेहपुर आएगा। फतेहपुर में हम लोग शहरी का कुछ सामान खरीदेंगे, लेकिन अभी 1:30 बजे अभी खा लेंगे तो फिर भूख लग जाएगा, इसलिए हम लोग का अगला जो रहेगा फतेहपुर। फतेहपुर में देखेंगे कुछ सामान मिलता है तो वहाँ से ले लेंगे।
फतेहपुर आ गया हो, खाए पिए का कोई जुगाड़ नहीं हुआ हम लोग का, शहरी का कुछ दुकान ही नहीं था सुबह खाने के लिए। सात सौ 98 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव प्रयागराज जंक्शन, और सुबह के बज रहे हैं 4:30 यानी 15 मिनट गाड़ी हमारी पहले ही पहुंची है ट्रेन। तो आज का सफर कैसा रहेगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।